हेलो पब्लिक, वेलकम बैक टू अवर चैनल एपिक ब्लॉगर। तो स्वागत है और एक शानदार ब्लॉग में। तो आज हम जाने वाले हैं बटरफ्लाई आइलैंड, जो कि 40 किलोमीटर पानी का सफ़र करके हमारे को जाना पड़ेगा, वो भी बोट से। बहुत मज़ा आने वाला है, आप लोगों को डॉल्फिन्स भी दिखाएंगे अपन। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो को अब तक लाइक नहीं करें तो प्लीज़ लाइक कर दो। मेरी आवाज़ थोड़ा बैठ गई, मैं इसलिए ज़्यादा ब्लॉग में नहीं आ रहा। तो आज बहुत मज़ा आने वाला है ये ब्लॉग में। तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखो और वीडियो को यहाँ से लाइक करो। तो फाइनली अपन रेडी हो गए, अभी अपन जाने वाले। स्कूटी से एक लोकेशन भेजे भैया। बहुत सारे लोग रेलवे स्टेशन देखिए, बस स्टेशन देखिए, मगर बहुत जन है जो बोट स्टेशन नहीं देखे। आज अपन बोट स्टेशन भी बताएंगे। और ये हमारा विला है, सीधा जल्दी जाना है, पहले बहुत लेट हो गया। जाके शुरू करेंगे हमारे पट्टों को, देखो कल का पैसा। हेलो गाइस, अपन जा रहे हैं आइलैंड, बहुत भारी आइलैंड पे जाने वाले। फुल रचा करना, आज फुल एंजॉय करना। गोवा वाली भाई बारी, आज गोवा वाली भाई। वहाँ पे साहिब भाई और वसीम भी है। तो देखो चांद भाई, तो कैसा दिख रहा आज? कैसा दिख रहा नहीं, अब जाके बताना है कैसा दिखता। किर्रा भाई साहब लाल लाल हो गए, लाल है, लाल है, हरेज लाल। तो चलो अब सीधा बस स्टेशन पे जाके मिलेंगे। फाइनली गाइस, अपन आ चुके हैं बोट स्टेशन, जो कि मेरे बराबर पीछे है। आपको एक बार अच्छे से बता रहा हूँ मैं, इसको बोलते हैं बोट स्टेशन। देखो पूरे बोट आए, आप यहाँ से हमारी जर्नी की शुरुआत होगी। देखो ये है बोट। सो फाइनली अपन बोट पे बैठ चुके हैं, ये रही हमारी बोट। देखो पूरे पट्टे बैठे हुए एंजॉय करने के लिए। अब जो जो भी नज़ारा आता आप लोगों को बताएंगे, और हमारे साथ साथ तुम लोग भी ये वीडियो देख के मज़े करो और ये वीडियो पे एक लाइक दो। तो पब्लिक, हमारे को आज के गाइड देने वाले भैया पूरा कराएंगे हमारे को A to Z स्कूबा डाइविंग भी इनोच कराने। भैया आपका नाम? बहादुर। बहादुर नाम है इनका। कैसी बहादुरी से पूरा बताते हैं, और कोई भी डूब गया तो बहादुरी से बचाते हैं। तो ये पहले क्या रहा भैया अपने को? पहले हम लोग साइट सीइंग करेंगे, जैसे कि ये जिमी मिनियर पैलेस। अच्छा। ये 80 करोड़ का बंगला है, बट ये ओनर जो है ये बॉम्बे का है, जिमी गजदर एंड जिमी अग्रवाल। बट अभी ये जो बंगला है ये पिंकी रेड्डी ने लिया है, जो हैदराबाद का। अच्छा। ये 80 करोड़ का बंगला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे तरफ ऑरेंज कलर का। अच्छा, वो हाँ वो ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है ना, वो 80 करोड़ का प्रॉपर्टी है। वो 80 करोड़ का प्रॉपर्टी है। उस वो जो बंगला है पूरा अंडरग्राउंड बंगला है, उसमें 2 पिक्चर का मूवी शूटिंग है, एक हसीना मान जाएगी और दूसरा भूतनाथ। और ये जो बंगला है पूरा अंडरग्राउंड है, उसको टॉप में देख सकते आप, आपको दिख रहा है व्हाइट वाला। हाँ, वो व्हाइट वाला जो है वो चर्च है। अच्छा। सिकरी का सबसे पुराना चर्च। अच्छा। उस चर्च का नाम है सेंट लॉरेंस चर्च। ओके, जो 1630 साल में बना था। और हम लोग अभी जिस जगह पे है, ये रिवर मंडप ही है। अच्छा। ये नॉर्थ गोवा है। हम लोग अभी इधर से आगे जाएंगे, अरेबियन सी में एंट्री करेंगे। ओके, अभी जाते जाते आपको डॉल्फिन दिखेगा। ओके, जाते जाते डॉल्फिन दिखेगा, और आगे भी अभी आपको मैं बताएगा। यहाँ पे आगे जो यहाँ पे दिख रहा है आगे, और जो इंडिया का झंडा है। अच्छा। हाँ, फ्लैग है। हाँ, वो जो दिख रहा है वहाँ से लेके उधर तक जो कोने तक। अच्छा। ये गोवा का सेंटर जेल है। सेंटर जेल या ओल्ड टाइम का जेल है, ये गोवा का सेंटर जेल है। जिस टाइम गोवा में पोती की सरकार आया था उस टाइम बना हुआ जेल है। अच्छा, तो ये यहाँ का सेंटर जेल है, कहते बोलो तो फ्री का गेस्ट हाउस है ये। ये जो सेंटर जेल है पूरा अंडरग्राउंड है। ओके, ये जेल जो है पूरा अंडरग्राउंड है। हाँ, पूरा अंदर तक है। जो पहले जो काला पानी का सजा मिलता था वो यहाँ पे मिलता था। ओके। हाँ। और इस जेल पे एक मूवी भी शूटिंग हुआ, अजय देवगन का कायमत पिक्चर का मूवी। यस सर। तो थोड़ी देर में अपन टच होने वाले अरेबियन सी में। तुम लोग के पास पासपोर्ट आ रहे हैं?
लातरे के मारता था पासपोर्ट नहीं था अपने पास पूरो के पास पासपोर्ट है अरेबियन सी में एंटर होने वाले छे होते की खता अल्लाह बेबी अल्लाह बेबी समुद्र में से पेट्रोल निकालेंगे तो हमारा ब्रेकफास्ट है केला है इसको क्या बोलते हैं भाई इसको क्या बोलते हैं वो क्या की बोलते कहते हमारे पट्टे खा रहे वसीम कैसा है जबरदस्त अच्छा है देखते हो अच्छा एक नंबर है एक नंबर है साउथ ये मेरे ख्याल से करी पॉप है वेज का जबरदस्त है लेकिन गरम गरम है और साथ में केले भी है और यहाँ के इंटरनेशनल केले हैं बताओ भैया जरा ये कंबड़ा केला है ये केला है मतलब ये केला बन रहा था बनने नहीं दिए लाली और लाके डायरेक्टर को दे दिए तो डाइविंग से पहले बहुत जरूरी है सुनना ओके अब अगर डाइविंग के पहले अगर आप नहीं सुनोगे तो क्या हो जाएगा आप नहीं कर पाओगे यस या नो यस ना अगर आप ठीक से नहीं सुनेगा तो आगे वाला बंदा क्या बोलना चाहता है वो क्या बोल रहा है अगर आप नहीं सुनोगे तो आप नहीं कर पाओगे स्कूबा डाइविंग ये पहला जो एक्टिविटी है स्कूबा डाइविंग अगर आपने यहाँ पे ठीक से नहीं किया तो आगे भी आपका वाटर एक्टिविटी आगे जाके आपका मतलब मन नहीं लगेगा वहाँ पे क्योंकि आप ये सोचोगे यहाँ पे तो स्कूबा डाइविंग मैंने कर नहीं पाया ये से नो Yes. तो आगे जाके आपको भी वहाँ पे भी एंजॉयमेंट करना है बीच के ऊपर वहाँ पे इसकी बनाना बम्पर राइड्स होगा ओके तो पहले ध्यान से सुनना है यहाँ पे देखना है सर पहला पॉइंट ये जो आपको मेरे हाथों में है ये स्कूबा डाइविंग का मास्क है जो सभी को पहनाया जाएगा ये आपके पास भी रहेगा हमारे पास भी रहेगा ओके पहला पॉइंट तो आपको बिल्कुल भी स्विमिंग का जरूरत नहीं है ये नॉन स्विमर एक्टिविटी है चार्जेबल है पर पर्सन 200 ओके ये चार्जेबल है तो ये पहन के जाओगे तो आपको क्या हो जाएगा पहला पॉइंट आपका बॉडी का टेम्परेचर आपको अच्छा रहेगा जैसे कि आपको बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं होगा नंबर टू आपको जेली फिश से प्रोटेक्ट रखेगा आपको जेली फिश इसमें लग गया तो देखे छोंगे भैया कैसे समझा अब जा रहे अपन स्कूबा डाइविंग करने मैं भी जा रहा हूँ अब अंदर जाके एक से एक बढ़िया नजारे बताऊंगा खाली देखते रहो चमकते रहो चार तुम्हारा नंबर कब है 36 खाली बचा खाली ब्रेडा चाहते मुंह में तुम के डॉक्टर भी बैठा लो नहीं अरे कहा से टाके डाले बोल के हाँ सियासत बोलते 36 ये है हमारी जेली फिश अभी छोड़ा मैं उसको थोड़ी देर पहले सता रही थी मैं जाते हूँ साजन के घर पे जाते हूँ जा बोलते हैं अब जाते हैं समंदर के बीचों बीच आया हुआ हूँ कैसा बसता है एपिक व्लॉगर 2022 बोलते हैं बचो
फट रही नहीं आता बोल रहा जैसे कि अंदर डूब के गए था क्या हुआ फट गए इसकी ऐसा दिख रहा अंदर जा रहे थे जा रहा करते अरे भाई अच्छी आ रही डर रहा का रे अरे आ रही मच्छा को कैसा बोला तो ये जादू है और रे पूरा और देखे पूरे मल्टी कलर है जिराफ है कहाँ गया वहाँ वहाँ गया फिर जेब्रा है 9936 बोलते सुपर डाइविंग तो कर ले अब जा रहे अपन पैराग्लाइडिंग करना अब कितने ऊपर उछलता उड़ाता नीचे पानी पटकता पूरा देखी पूरे कैनेडा आ गए हमारा क्रूज मंगाया है मैं 1.5 लाख का क्रूज है ये इंजन के साथ चप्पा गिप्पा नहीं रहते मंगा लो आप जा रहे अपन हाँ चलो वो हमारी बोट है जहाँ से अपन अपने को ले लेके आ गए आयरलैंड पे अब ये दूसरी बोट है जहाँ से अपन पैराग्लाइडिंग करेंगे वो भी खतरनाक तरीके से सबको नहीं आता मैं जा रहा हूँ मैं बहुत बड़ी बात है तुम मेरे से सीखो हैबत नहीं खाना जाके मार दे उसको ऑटो पलटा सलीम मैं तो मार दे दो टुकड़ा होना हर कुप्पा जल्दी वहां से हटो उससे मैं कोई भी बीच में नहीं आना आड़ा टेढ़ा हो जाता मैं आ रहा हूँ मैं पैराग्लाइडिंग
जरी देरी लेके गया लेकिन बहुत मजा आया। पूरा समंदर देखा, अरेबियन सी, फुल पासपोर्ट के साथ, नो वीजा। अब अपन आ गए हमारे बोट के पास, बहुत ही करीब है, ये दूसरों की बोट है, अपनी बोट है। हम आके के लिए करामत हो गई रे, चिल्ला रहे। आ गए अपने बोट के पास अपन। तो अभी अपन आए एक बनाना बीच बोल के वहाँ पे थोड़े राइट से वो कराते करते वो करने बाद अपन दूसरी जगह जाएंगे। तो लंच टाइम हो गया, तो भैया लोग का खाना सर्व कर रहे। खाने में देखो राइस है, दाल है और चिकन है, चपाती है, जिसको जो लेना है वो ले सकते हैं। क्या भैया? तो अपन तो ले रहे चिकन, नट्टा बोल्टा खाने का है अपने को। भैया राइस दे दो, दाल नहीं, चिकन है, बहुत ही मोहब्बत से देते हैं ना, अनलिमिटेड, कितना खा सकते हैं आप खा सकते। चपाती ले लो, चपाती नहीं चाहिए, ले ये ले लो चपाती। तो खाने जा रहा हूँ, थोड़ा कुछ दिक्कत रहती है कि कैसा रहता खाना, क्या रहता, मैं टेस्ट करके बताता हूँ। ओके है, खा सकते, स्पाइसी है, नमक वगैरह सब एकदम बराबर है, आइए और खा सकते चिकन और राइस। तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए यहाँ पर बीच पर रुका दिए, और ये बीच पर हमारे कुछ एक्टिविटीज रहेंगे, थोड़े बोट राइडिंग वगैरह वगैरह रहते, वो आपको मैं बताऊँगा और फुल एंजॉय करने वाला हूँ यहाँ पर। तो क्या क्या एंजॉय कर रहा हूँ वो पूरा देखो। तो अभी मैं जाने वाला हूँ वो राइड करने के लिए, वो वाली व्हाइट कलर की यमहा की हमारी जो स्कूटी है ना, पानी वाली स्कूटी, उसकी राइड करने जा रहा हूँ। कैसा एक्सपीरियंस रहता शेयर करता हूँ आपसे। खाली थोड़ी लाइन है, अब बीच में से घुस जाता हूँ, रुक में आजा आज। भारी मजा आया, 30-40 की स्पीड में मारा भाई, बे बहरा मारा, बहुत ही खतरनाक है, बहुत मजा आ गया। तुम लोग भी करना है तो आ जाओ। इन लोग शॉर्ट्स मार रहे, लेकिन मैं लॉन्ग एक्स्ट्रा 200 पे करके लॉन्ग मारने लगा, लेकिन लॉन्ग ही मारो बहुत अच्छा रहता है, और जरूर राइड करना है। अभी अब जा रहा हूँ मैं बनाना बोट पे, खाली फिल्मों में देखे थे, अब रियलिटी में करने जा रहा हूँ, कैसा रहता वो भी बताता हूँ। चलो 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 चलो। We'll be right back.
वाकई में बनाना बनाना था, बनाने के सर का फेंक दिया हमारे को। बहुत मजा आया, करो ये भी बहुत फनी है। अभी हमारे पूरे राइड आउट हो गए, जो करने का था आप लोग तो देख ले होंगे। अब जाएंगे सीधा हमारे वो जगह पे जहाँ से अपन आए थे, तो बीच में हमारे को डॉल्फिन नहीं दिखे, दिखे तो भी थोड़े दूर थे, अब जाके देखेंगे, नज़दीक में मिलते करते सुनने में आया, जाके आपको ज़रूर बताएंगे। हम आते रहते इधर ही चाहते रहते। अरे इनके अंदर लेग चले, अरे नाक खेर कर जा। अपने पास ही चाहता सुन लो, बहुत बेहतरीन डॉल्फिन है, डॉल्फिन है, एक नहीं है डॉल्फिन है। दोनों झगड़ा कर ले रहे, दोनों झगड़ा कर ले रहे, अभी मच्छर कौन से मार लिए, यही नजदीक में आते किताबों में पढ़ते थे, ऑटो के पीछे देखते थे, अब रियल लाइफ में देखा बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। क्या बोलती पब्लिक, कैसा लगा हमारा आज का एडवेंचर, कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं करे सब्सक्राइब करो, और वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।